बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा अज़्ज़हरा अल-बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। आज एक ख़ास नक्श जो बहुत से बहन भाई घरेलू परेशानी, हाजत और रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, ये ख़ास अमल उनके लिए है। इस सूरह मुबारक को इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़कर इस नक्श को सुरख मार्कल से याद रखें। सुरख रंग से आपने इस नक्श को बनाना है और सूरह मुबारक को 3 मरतबा पढ़कर आपने नक्श पर दम करना है। सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा है। फिर आपने ये जो नक्श मुबारक है अपनी पॉकेट में रख लेना है, जेब में रख लेना है। अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान में रख सकते हैं। अगर आपका कोई कारोबार है, ऑफिस है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। अगर आपका रिस्क बहुत तंग है तो फिर आप अपने घर में रख लें। घर में रखने का तरीका इसका ये है कि जब जहाँ पर हम खाना बनाते हैं उस जगह इसको किसी चीज़ से चिपका दें तो इंशाल्लाह आपके घर उस दिन से अगला दिन नहीं होगा, फाकाकशी ख़त्म हो जाएगी, बेहिसाब रिस्क। अगर शॉप है तो दुकान में बहुत सारे लोग आपका सामान लेने आ जाएंगे। दफ्तर ऑफिस आपके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी पोस्टिंग और रिस्क इतना बेहिसाब होगा कि आपकी सोच है। एक दफ़ा ये अमल ज़रूर करें मग़रिब के बाद, ठीक है। हर रोज़ 1 मरतबा अमल के बाद, मग़रिब के बाद हर रोज़ 1 मरतबा सूरह मुबारक को पढ़कर दुआ मांगा करें। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दिली मुराद के लिए भी अमल किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह खैरा। इस्तखारा रूहानी इलाज के लिए मदरसा फातिमा अज़्ज़हरा अल-बनात से राब्ता कर सकते हैं।